नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। जी हां, हम बात करने वाले हैं 32,000 न्यू शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की आशंका, होगी जाँच। जी हाँ, जितने भी 32,000 न्यू शिक्षक है उनको प्रमाण पत्र है जो फर्जी की आशंका में आया गया है, शिक्षा विभाग उन पे जांच की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सहसमता परीक्षा के अनुरूप ही ये लोग पकड़े जा रहे हैं। दूसरे राज्य के मुख्य सचिव को जांच के लिए लिखा गया है पत्र। 1400 शिक्षकों की सीटेट में 60% से कम नंबर है, यानी कि 1400 ऐसे शिक्षक हैं जिनको 60% से कम नंबर है। जैसा कि आपको पता था कि महिलाओं को लिया गया था, उसी के आधार पर ये बात कही जा रही है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अधिकतर नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र 28 से 30 वर्ष पुराना है, फर्जी होने पर कानूनी कार्रवाई होगी, वेतन की रिकवरी भी इनसे की जाएगी। तो एक समझिए, अगर 32,000 ये नियोजित शिक्षक अगर पकड़े जाते हैं फर्जी में, तो सीट लगभग खाली होगा, बहुत सारे एक वैकेंसी फिर आने की चांस है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। ये खबर पटना छप रही है और दैनिक भास्कर में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। बिहार में नौकरी कर रहे 32,000 से अधिक न्यू शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। 1, 2, 3, 4, 5 हज़ार नहीं दोस्तों, 32,000। इनके प्रमाण पत्र की जांच होगी। प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा का अंदेशा है, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने निगरानी विभाग से शिकायत की है। ये शिक्षक दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र पर बिहार में नौकरी कर रहे हैं। निगरानी विभाग ने यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित अन्य राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें प्रमाण पत्र पर अंकित नामांकन संख्या, नंबर, कॉलेज, विषय के बारे में पता करने को कहा गया है। बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, जो 9 वर्ष के दौरान शिक्षकों को कई बार प्रमाण पत्रों की जांच हुई है। 2600 से अधिक शिक्षक फर्जी पाए गए। इस दौरान 1350 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। नियोजित शिक्षकों का मामला कोर्ट में चल रहा है। निगरानी विभाग के वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार ने इस संबंध में न्यायालय में बताया था कि शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों को इतना फोल्डर मिलने थे, लेकिन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अब तक इतने ही फोल्डर ही मिले हैं, बाकी इतना फोल्डर शिक्षकों के गायब हैं। और उसी के अभाव में इतना प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया है, जबकि 3,10,000 प्रमाण पत्र सत्यापन बचे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि सहसमता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की गंभीरता से जांच की गई है। इस दौरान कई प्रमाण पत्र संहित पाए गए हैं, इनकी विश्वविद्यालय स्तर पर जांच की जाएगी। दूसरे राज्य के निवासी अभ्यर्थियों का उनके मूल निवास स्थान से प्रमाण पत्र की जाँच कराई जा रही है। सुनील कुमार, मंत्री शिक्षा विभाग की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि सहसमता पास नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जाँच में लगभग 1400 ऐसे शिक्षक हैं जिनका सीटेट में 60% से कम नंबर है, जबकि नियमानुसार बाहरी राज्यों को अभ्यर्थियों का 60% नंबर होना अनिवार्य है। मोतिहारी में 7, भागलपुर में 14, मधेपुरा में 21, गोपालगंज में 9, औरंगाबाद में 245 सहित अन्य जिलों में अभ्यर्थियों के सीटेट में 60% से कम नंबर हैं। बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, इनमें से 1,87,000 शिक्षकों के सहसमता परीक्षा पास कर ली है। 1 जुलाई 16 सितंबर तक सहसमता परीक्षा अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच की गई है। इस दौरान 37,000 सहसमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच नहीं कराई गई है। अधिकतर नियोजित शिक्षक का प्रमाण पत्र 28 से 30 वर्ष पुराना है। विभाग के अधिकारी के मुताबिक अधिकांश नियोजित शिक्षक के प्रमाण पत्र लगभग 18 वर्ष पुराना है। इस वजह से अधिकांश विश्वविद्यालयों में उनका मैनुअल रिकॉर्ड है। इन रिकॉर्डों की जाँच में काफ़ी परेशानी हो रही है। कई राज्यों के विश्वविद्यालय में मैनुअल रिकॉर्ड खराब हो चुके हैं। दूसरे राज्यों के नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में काफ़ी समय लगेगा। फर्जी होने पर कानूनी कार्रवाई होगी और साथ में वेतन का भी रिकवरी होगा। नियोजित शिक्षकों के 9 लाख प्रमाण पत्र, 5,90,000 का सत्यापन हुआ है, अभी से 3,10,000 का सत्यापन बाकी है। 1400 से अधिक शिक्षकों के सीटेट में 60% से कम नंबर मिले हैं। 2600 नियोजित शिक्षक फर्जी पाए गए हैं, वहीं 1350 पर केस हुआ है। फर्जी शिक्षकों के वेतन की रिकवरी के साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो नीचे पाने के लिए
आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।